डीडवाना लंबे समय से जिला मुख्यालय बनने की आस देख रहे डीडवाना के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 नए जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसमें डीडवाना कुचामन जिले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस जिले का जिला मुख्यालय फिलहाल डीडवाना से ही संचालित होगा और डीडवाना में ही इस जिले के प्रथम कलेक्टर बैठेंगे। इस नए डीडवाना कुचामन जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें डीडवाना नवा लाड़नू मकराना और पर्वतसर शामिल है। वहीं इस जिले में 6 उपखंड और 8 तहसीलें शामिल की गई हैं। ये जिला नागौर जिले का तकरीबन आधा हिस्सा होगा और नए बनने वाले जिलों के लिहाज से डीडवाना सबसे बड़ा जिला होगा। इस खबर को लेकर डीडवाना में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक चेतन डूडी के साथ जमकर आतिशबाजी की और सीएम का आभार व्यक्त किया। बधाई देना चाहता हूं डीडवाना और जितने भी आसपास की विधानसभाएं हैं, तहसीलें हैं, इनके वासिंदों को, जिनकी एक बड़ी लंबी मांग पूरी हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, कांग्रेस की सरकार ने की है, तो सभी को बधाई। और जहाँ तक बात यह है कि इसका स्वरूप लगभग आज सामने आ गया, जिसके अंदर की डीडवाना कुचामन जिले के अंदर लाडनू होगा, डीडवाना होगा, कुचामन, नावा, मकराना, पर्वतसर, ये तहसीलें होगी, ये पंचायत समितियाँ होगी इसके अंदर, जिस इलाके में जितनी भी आती है। और मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये नए जिले बनाए, जिनकी टोटल संख्या मिला के अब 50 हो जाती है पूरे राजस्थान में, इससे लोगों को बड़ी भारी राहत मिलेगी और लोगों की जो एक बड़ी मांग थी, लंबी मांग थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इसके लिए हम सब मिलके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार का धन्यवाद।